चैतन्य पोल्ट्री फार्म के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रूडिंग के लिए चूजे रखे हुए हैं, तो ये कावेरी मुर्गियों के चूजे हैं और ये दो सेक्शन में रखे हुए हैं। तो मैडम से सारी जानकारी हम लेते हैं यहाँ पे। तो मैडम, ये अभी कितने चिक्स हैं छोटे अभी? आता है जो पक्ष है तो 1000 पक्ष है। अच्छा, यानी कि 1000 चिक्स हैं अभी यहाँ पे। इसका मतलब 500 इस सेक्शन में रखे गए हैं और 500 इस सेक्शन में रखे हुए हैं। तो अभी मैडम ये कितने दिन के हो गए अभी? आज पक्षी हाँ 15 दिवसाचा झालेला आहे कंप्लीट। अच्छा, 15 दिन के आज ये कंप्लीट हो गए हैं। तो मैडम, अभी इनको वैक्सीनेशन किया गया होगा? हाँ, 7व्या दिवशी तो वैक्सीन असतं लासोटा। अच्छा। ते वैक्सीन देऊन झालेला आहे आणि आज 15व्या दिवशी गंभोरा असतं तर ते पण आम्ही देतो। अच्छा, जो एक वैक्सीन 7 दिन का होता है वो भी दे दिया गया है, जो जिसे लासोटा कहते हैं, और 15 दिन के बाद गंभोरा है कि वो दिया जाता है वैक्सीन, वो भी इनको दे दिया गया है। मैडम, जैसे कि आज ये तो पक्षी 15 दिन के हो गए, लेकिन जब फर्स्ट डे से इसको क्या मतलब देखभाल करनी पड़ती है पक्षियों के लिए? ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी पक्षी येतो तर त्या दिवशी आम्हाला गुळाचं पाणी द्यायचं असतं। गुळाचं पाणी दिल्याच्या नंतर पक्ष्यांना 2-3 दिवस आम्ही गुळाचं पाणी देतो। नंतर लेगझिन पावडर येते, लेगझिन पावडर आम्ही 3-4 दिवस देतो आणि ब्रोटॉन असतं, ब्रोटॉन ते पण आम्ही देतो 3-4 दिवस पक्ष्यांना। अच्छा, यानी कि जब शुरू में पक्षी आती है तो इन्हें गुड़ का पानी दिया जाता है, जिसे मीठा कहते हैं या गुड़ कहते हैं, तो गुड़ का पानी 3-4 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद से 3-4 दिन के बाद कौन सा पाउडर बोली मैडम? लेगजिन का पाउडर दिया जाता है। फिर उसके बाद से 3-4 दिन के बाद प्रोटॉन दिया जाता है। काफ़ी इनको देखभाल करनी पड़ जाती है। और जैसे कि मैडम ऊपर दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं हैलोजन लाइट है, इसका क्या उपयोग है, मतलब क्यों लगाया? हे हॉलिजन जे लावलेत 500-500 वॅटचं एक एक हॉलिजन आहे, तर हे हॉलिजन पक्ष्यांना ह्याच्यामधून ऊब मिळावी। अच्छा। कारण आता थंडीचे खूप दिवस आहेत, त्याच्यामुळे पक्ष्यांना ह्याच्यामधून ऊब खूप मिळते आणि पक्ष्यांची मर कमी होते, त्याच्यामुळे हे हॉलिजन खूप महत्त्वाचे असतात, म्हणजे लाईट खूप महत्त्वाची आहे त्यांना। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ के पे जो हैलोजन लाइट लगाए हुए हैं, यहाँ मुझे यहाँ पे 4-4 दिख रहे हैं, ये 500-500 वैट के हैं, और ये इसलिए लगाया गया है कि अभी इनको उष्णता की ज़रूरत होती है इन्हें, और वैसे भी अभी ठंडी का दिन है, तो इसलिए जितना ये उष्णता रहेगा उतना ही इनकी जो मॉर्टेलिटी है वो कम होगी। और दोस्तों, और ये दो सेक्शन जो बनाया गया है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि दो सेक्शन इसलिए बनाया जाता है कि ताकि पक्षियाँ एक जगह पे जमा ना हो और आसानी से अपना जो खाद्य खा सकें और जो पानी है वो आसानी से पी सकें, और ताकि इनमें कंपटीशन जो हो वो कम होता है। और दूसरी बात की मैडम, जो अब मैं खाद्य देख रहा हूँ, ये कौन सा क्या दिया गया इनको खाने के लिए? ये खाद्य जो है गावरान फ्री स्टार्टर। अच्छा, हाँ, हे गावरान फ्री स्टार्टर जे खाद्य आहे ते आम्ही कंप्लीट 15 दिवस देतो आणि नंतर गावरान फिनिशर। अच्छा, हां, तिथून पुढे मग जसा जसा पक्षी मोठा होतो तसं तसं त्यांचं खाद्य बदलत जातो। हां, स्टार्टर, फिनिशर, फ्री स्टार्टर असं वेगवेगळं खाद्य द्यायचं। अभी इन्हें 15 दिन तक प्री स्टार्टर दिया जाएगा गावरान। तो वो गावरान, गावरान का मतलब हो गया वो देसी। तो ये देसी कसं अलग खाद्य आता है क्या? नाही, म्हणजे हेच आपलं खाद्य, वही खाद्य राहता है, वो इनको 15 दिन तक दिया जाता है। तो ये प्री स्टार्टर इनको 15 दिन तक दिया जाएगा, प्री स्टार्टर के बाद फिर से इनका जो खाद्य है वो बदल जाएगा। वैसे वैसे प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, इनका जैसे जैसे इनका जो वजन बढ़ेगा या इनकी जो उम्र बढ़ेगी उसके अनुसार से इनका खाद्य भी बदलता जाता है। जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अगर आपसे चिक्स अगर मांगते हैं तो क्या आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, जे नवीन करू इच्छितात, जे नवीन ह्या क्षेत्रामध्ये उतरणार आहेत, तर त्यांच्यासाठी आम्ही 15 दिवसाचं पक्षी, 1 महिन्याचं पक्षी आम्ही देतो। तर 15 दिवसाचं पक्षी मी 60 रुपये नग याप्रमाणे देते आणि 1 महिन्याचं पक्षी 100 रुपये या नगाप्रमाणे देते। यानी कि आप 15 दिन का भी प्रोवाइड कर सकती हैं, दे सकती हैं पक्षी, और 1 महीने का भी। तो 15 दिन का है वो 60 रुपये में, और जो 1 महीने का है वो
100 रुपए में आपको यहाँ से चिक्स मिल सकता है। और मैडम क्या सब वैक्सीनेटेड मिलेगा क्या? हाँ, वैक्सीन करून पक्षी देना। 7व्या दिवशी क्लासोटा म्हणून एक वैक्सीन येतो आणि 15व्या दिवशी गंभोरा म्हणून एक वैक्सीन येतो आणि तेथून पुढे तुमच्या पक्ष्यांना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही, मर होणार नाही किंवा काय। अच्छा, यानी की जो भी यहाँ से आपको पक्षी मिलेगा वो जितना दिन का उनका वैक्सीनेटेड का जो समय रहेगा वो सारे वैक्सीन उस दिन उन्हें उनको दे दिए जाएंगे। और मैडम कस्टमर को आप क्या वो उनके फॉर्म तक पहुंचा कर दे डिलीवरी दे सकती हैं या फिर कस्टमर को यहाँ पे आना पड़ेगा? नहीं, कस्टमर ले इतने से यहाँ लगेल कारण आम चकड़ ट्रांसपोर्ट ची का ही सोई नहीं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैडम ने बताया कि अभी उनके पास ट्रांसपोर्ट का अभी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आपको ही यहाँ पर आकर चिक्स लेने पड़ेंगे। दोस्तों ये था चैतन्य पोल्ट्री फार्म का ये वीडियो और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा और आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।